प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने या पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाठ एक हम पंछी उन्मुक्त गगन में नामक कविता का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ा था, जिसमें मैंने दो पैराग्राफ अर्थात 8 लाइन की जो है वो व्याख्या थी मैंने कर दिया था। अब अगली जो है कुछ पंक्तियां हैं इसके बारे में, इसका जो है भावार्थ और इसका जो है प्रसंग मैं आपको बताऊंगा और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भोले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की धुनी पर के झूले। अर्थात इसमें कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों की इच्छाओं को व्यक्त किया है, प्रकट किया है कि कैसे पक्षी जो है वो स्वतंत्र विचरण करना चाहते हैं, आकाश में उड़ना चाहते हैं, वो कैद रहना उन्हें पसंद नहीं है। भले ही उन्हें कैद रहकर जो है रखकर पिंजरे में बंद करके उन्हें सोने की कटोरी में मैदा दिया जाए, उससे बनी हुई जो है पकवान दिया जाए या सोने के पिंजरे में रखा जाए, लेकिन उन्हें ये मंजूर नहीं है। उन्हें मंजूर है स्वतंत्र रहना। ठीक है, ये आप पिछली पंक्तियों में इसको आपने पढ़ा था, मैंने इसको बताया था। अब अगली पंक्ति आगे देखिए। अब पक्षी उसी तरह की भावनाओं को रखते हुए कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आगे क्या कहते हैं वो, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भोले। कवि श्री मंगल सिंह सुमन पक्षियों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पक्षी कहते हैं कि हम स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, श्रृंखला का अर्थ होता है चेन या जंजीर आप कह सकते हैं, यानी पक्षी कहते हैं कि हम सोने की जंजीर में बंध कर, सोने की जंजीर में बंध कर अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। जो हमारी गति थी, उड़ने की जो गति थी और हम दूर तक उड़ते हुए जाते थे, वो सब भूल गए हैं, क्योंकि हम यहाँ सोने की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमें इन जंजीरों में जकड़ना पसंद नहीं है, हमें मुक्त कर दीजिए, हम स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते हैं। आगे देखिए, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर के झूले। अब पक्षी कहते हैं कि अब यहाँ जो हम लोग पिंजड़े में बंद है या फिर जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तो केवल हम अपने सपनों में ही देख सकते हैं, कि हमें सपना ही आता है कि हम लोग जो है उड़ रहे हैं आसमान में, और उसके बाद से कल यहाँ नहीं देख सकता है। कल कल का अर्थ होता है वृक्ष, यहाँ काटने की वर्ड में मैंने लिखा है कल का अर्थ होता है वृक्ष। कल की फुनगी, फुनगी यानी जो वृक्ष है, ठीक है, ये वृक्ष है, अब इसकी जो पतली पतली जो डालियां हैं और ऊपर वाले जो हिस्से हैं जो बहुत ही लचीला होता है, ऐसी डाली पतली डाली ऊपरी हिस्सा पेड़ का जो बहुत ही लचीला होता है, फुनगी अर्थात शीर्ष पर, शीर्ष पर। तो पक्षी कहते हैं कि हम अब बस हम सपनों में ही देख सकते हैं कि एक समय था कि हम सभी जो है पेड़ की ऊपरी पतली डालियों पर जो है झूला करते थे, और ये कब संभव था, जब हम स्वतंत्र थे। अब तो ये हम लोगों के लिए स्वप्न हो गया है, सपना हो गया है, अब हम यहाँ कैद है, पिंजड़े में बंद है। ठीक है, अब ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान, अरमान का होता है इच्छा, इच्छा। अब उनकी इच्छा क्या है वो कवि जो है लिखते हैं और व्यक्त कर रहे हैं आगे पंक्तियों के द्वारा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले दम की सीमा पाने। अब पक्षी कहते हैं कि हमारी ये इच्छा थी कि हम नीले आकाश की सीमा को पाने के लिए, अर्थात वो चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें और आकाश की सीमा कहाँ तक है वहां तक हम उड़ते हुए जाएं और ये पता करें कि आकाश की सीमा कहाँ है। ठीक है, और ये कब संभव है, जब वो स्वतंत्र रहें, कैद रहेंगे पेड़ में बंद रहेंगे, कहाँ है संभव। अब देखिए थोड़ा यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तार अनार के तारे लाल। अब यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सूर्य की लाल किरणें, सूर्य सूर्योदय जब होता है तो सूर्य की किरणें
जो ही सूर्योदय होता है उस समय तारे आकाश में जो तारे क्या है दिखाई नहीं देते हैं। तो कवि लिखता है कि हम जिस प्रकार से सूर्योदय होने पर वो जो है तारों को चुग लेता है, उसकी किरणें जो है उसकी लाल किरणें तारों को चुग लेती हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपनी लाल चोंच को खोलकर और आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ना चाहते हैं और जो तारे रूपी अनार के दाने हैं, अब यहाँ कवि बता रहे हैं कि पक्षी कहते हैं तारों को जो अनार का दाना समझ रहे हैं, हम अपना लाल किरण रूपी चोंच खोलकर और आसमान में अनार के दाने तारे रूपी अनार के दाने को चुगना चाहते हैं, ठीक है। और ये तभी संभव है जब हम स्वतंत्र हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, लाल किरण सी चोंच खोल, और पक्षी कहते हैं कि हम अपने जिस प्रकार से लाल किरण जो है तारों को हर लेती है चुग लेती है, उसी प्रकार जो है हम अपना चोंच खोलकर क्या करना चाहते हैं, तारक अनार अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, अर्थात वहां तक जहां तारे हैं वहां तक हम उड़ना चाहते हैं। और यहाँ उसके विपरीत है, कैद है, ठीक है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो ये था इन पंक्तियों का जो है व्याख्या, इसका प्रसंग आप लिख सकते हैं, संदर्भ तो वही होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक प्रसंग भाग दो के पाठ एक, हम पंछी उन्मुक्त गगन नामक कविता से अवतरित है या लिया गया है, और इसके रचयिता या इसके कवि श्री मंगल सिंह सुमन है। तो बार बार संदर्भ लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रसंग इसमें कुछ अलग हो जाएगा। इसमें जो है पक्षी चाहते हैं कि वो सोने की जंजीरों से मुक्त होकर और स्वतंत्र आकाश में विचरण करें, और वो जो है तारों तक पहुंचना चाहते हैं, नभ यानी आकाश की सीमा को जो है तक पहुंचना चाहते हैं, किसकी सीमा कहाँ है, और तारों को चुगना चाहते हैं, तारों तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं, और उनकी इच्छा इच्छा ही रह जाती है। अगली पंक्ति है, होती सीमा ही क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तलती सांसों की डोरी। अब वो पक्षी कहते हैं, पंछी कहते हैं कि यदि हम लोग स्वतंत्र होते, पिंजरे में कैद नहीं होते, पैरों में जंजीरें नहीं बंधी होती, तो हम लोग सीमा ही क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है जहां वह स्थान जहां धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं, जबकि हालांकि ऐसा संभव नहीं है, एक भ्रम होता है, जहां धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत हो उसको हम कहते हैं क्षितिज। तो उसी कहते हैं कि क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, और होड़ा होड़ी अर्थात प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन जिसे आप कहते हैं, होड़ा होड़ी का क्या है, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा है, कौन जल्दी पहुंच जाए। पक्षी कहते हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते तो जो ये आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो हम लोग क्षितिज तक यानी धरती और आकाश के मिलन स्थान तक जो है एक दौड़ लगाते, और ये अपने में एक प्रतिस्पर्धा रखते कि कौन जल्दी पहुंच जाता है वहां, ठीक। अब देखिए इसमें दो स्थितियां होंगी, वो स्थितियां भी वो प्रकट कर रहे हैं, सामने रख रहे हैं क्या, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो हम सभी उस क्षितिज तक जो है मिल जाते, पहुंच जाते, क्षितिज को पा लेते, या फिर या तंती सांसों की डोरी, या फिर जो है हमारी सांसें जो है तन जाती, अर्थात या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते, या फिर क्षितिज तक पहुंचने के प्रयास में अपने प्राण भी त्याग देते, ये भी हमें मंजूर है, लेकिन यहाँ कैद रहना मंजूर नहीं है, ठीक है। अगली चार पंक्तियां देखिए, नील नदो चाहे टमनी कर, नील यानी घोसला, जहाँ जो पक्षी जब जो अपना आश्रय जो बना के रखते हैं, घोसला जो बनाते हैं नील कहा जाता है, तो नील नदो चाहे टमनी कर, नील अपना बसेरा अपना घोसला कहाँ बनाते हैं, वृक्षों की डालियों पर टहनियों पर। तब पक्षी कहते हैं कि नील नदो चाहे टहनी कर, कहते कि हे मनुष्य को संकेत यहाँ पे किया गया है कि मानव भले ही तुम मुझे जो है अपनी आवास या अपना घोसला बनाने के लिए भले ही वृक्ष की टहनी मत दो, लेकिन आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और भले ही जो हमारा आश्रय है जहाँ हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जहाँ अपनी रात काटते हैं, जिस पर हम जो है अपना घोसला बनाते हैं, भले ही उस पेड़ को भी अगर नष्ट कर दे रहे जो हमारा आश्रय है, आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो है वृक्षों की कटाई की वजह से जो है इनका आश्रय भी समाप्त होता जा रहा है, और
है हमारे समाज से विलुप्त होते जा रहे हैं, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो आश्रय छिन्न भिन्न कर डाले पक्षी, कहते हैं कि हमारा नील जो है वो नष्ट हो जाए या टहनी, वो टहनी हमें कौन दिया जाए जिससे हम अपना नील बनाते हैं, या हमारा जो आश्रय उसको भी समूल नष्ट कर दिया जाए। लेकिन हे ईश्वर आपने जो पंख दिया है, लेकिन पंख दिए हैं तो कहते हैं कि हे ईश्वर आपने हमें जो पंख दिया है, पंख प्रदान किया है, आप उड़ान की बेहतरीन डालो। तो इन मनुष्यों को यह संकेत दीजिए या मनुष्यों के संज्ञान में रखिए कि ये हमारे जो हम बेचैन है, आकुल का अर्थ होता है बेचैन, व्याकुल, उड़ने के लिए जो हम बेचैन है, हमारी इस उड़ान में बाधा ना डाले। वो बाधा डालते हैं क्यों? अपने मनोरंजन के लिए, ठीक है, हमें पकड़कर कैद कर लेते हैं, पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, हमारे पैरों में जो है बेड़ियां लगा देते हैं। तो हे ईश्वर हमें आपने ये पंख दिया है तो हमारे इस व्याकुल उड़ान में, जो हम व्याकुल है, अत्यंत व्याकुल है उड़ने के लिए, इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि पक्षियों की भावनाओं को तो प्रकट कर ही रहा है, साथ ही साथ वो एक संदेश दे रहा है मानव जाति को कि हे मानव, तुम्हें इन जो है बेजान या बेजुबा पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए, ये कैद करने के लिए नहीं बने हैं, इन्हें स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करना चाहिए और इन्हें मुक्त कर देना चाहिए। एक संदेश भी है अंतिम राय में, ठीक है, और पक्षियों की भावना को भी इसमें कवि ने प्रकट किया है। तो इस प्रकार जो है यह अध्याय या सॉरी यह पाठ जो है समाप्त हुआ, और इसमें इसके बाद जो है मैं प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ नोट्स मैं अपना बना के आपको सेंड करूंगा पीडीएफ के थ्रू ग्रुप में, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। फिलहाल जो है ये पूरी कविता आप कॉपी में लिखेंगे और इसके अंत में आपको एक फिगर चित्र भी बनाना है जो इसके अंत में दिया हुआ है कविता में, चिड़िया का या फिर पिंजरे का, उसको भी बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।